पद्म पुराण के सर खंड में स्नातक और गृहस्थ के धर्म के वर्णन में व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों, श्रेष्ठ ब्रह्मचारी अपनी शक्ति के अनुसार 1, 2, 3 अथवा 4 वेदों तथा वेदांगों का अध्ययन करके उनके अर्थ को भली भांति हृदयंगम करके ब्रह्मचर्य व्रत की समाप्ति का स्नान करे। गुरु को दक्षिणा रूप में दान देकर उनकी आज्ञा लेकर स्नान करना चाहिए। व्रत को पूरा करके मन को काबू में रखने वाला समर्थ पुरुष स्नातक होने के योग्य है। वे बांस की छड़ी, अधोवस्त्र तथा उत्तरीय अर्थात चादर धारण करें, एक जोड़ा यज्ञोपवीत और जल से भरा हुआ कमंडल धारण करें, बाल और नख कटाकर स्नान आदि से शुद्ध होकर उसे छाता, साफ पगड़ी, खड़ाऊ या जूता तथा सोने के कुंडल धारण करने चाहिए। ब्राह्मण सोने की माला के सिवा दूसरी कोई लाल रंग की माला ना धारण करे। मैं सदा श्वेत वस्त्र पहने, उत्तम गंध का सेवन करे और वेशभूषा ऐसी रखे जो देखने में प्रिय जान पड़े। धान रहते हुए फटे और मैले वस्त्र नहीं पहने। अधिक लाल और दूसरे के पहने हुए वस्त्र, कुंडल, माला, जूता, खड़ाऊ को अपने काम में नहीं लाए। यज्ञोपवीता भूषण, कुश और काला मृग चर्म, इन्हें अपसव्य भाव से ना धारण करे। अपने योग्य स्त्री से विधि पूर्वक विवाह करे। स्त्री शुभ गुणों से युक्त, रूपवती, सुलक्षणा और योनिगत दोषों से रहित होनी चाहिए। माता के गोत्र से जिसका जन्म ना हुआ हो, जो अपने गोत्र में उत्पन्न ना हुई हो तथा उत्तम शील और पवित्रता से युक्त हो, ऐसी भार्या से ब्राह्मण विवाह करे। जब तक पुत्र का जन्म ना हो, तब तक केवल ऋतुकाल में स्त्री के साथ समागम करे। इसके लिए शास्त्रों में जो निषिद्ध दिन हैं, उनका यत्न पूर्वक त्याग करे। षष्ठी, अष्टमी, पूर्णिमा, द्वादशी और चतुर्दशी, ये तिथियां स्त्री संग के लिए निषिद्ध हैं। उक्त नियमों का पालन करने से गृहस्थ भी सदा ब्रह्मचारी ही माना जाता है। युवा काल की अग्नि को सदा स्थापित रखे और उसमें अग्नि देवता के निमित्त प्रतिदिन हवन करे। स्नातक पुरुष इस पावन नियमों का सदा ही पालन करे। अपने वर्ण और आश्रम के लिए विहित वेदोक्त कर्म का सदा आलस्य छोड़कर पालन करना चाहिए। जो नहीं करता वह अत्यंत भयंकर नरकों में पड़ता है। सदा संयमशील रहकर वेदों का अभ्यास करे। पंच महायज्ञों का त्याग नहीं करे। गृहस्थोचित समस्त शुभ कार्य और संध्या उपासन करता रहे। अपने समान तथा अपने से बड़े पुरुषों के साथ मित्रता करे। सदा ही भगवान जी की शरण में रहे। देवताओं के दर्शन के लिए यात्रा करे तथा पत्नी का पालन पोषण करता रहे। विद्वान पुरुष लोगों में अपने किए हुए धर्म की प्रसिद्धि नहीं करे तथा पाप को भी ना छिपावे। संपूर्ण प्राणियों पर दया करते हुए सदा अपने हित का साधन करे। अपनी वे कर्म, धन, विद्या, उत्तम कुल, देश, वाणी और बुद्धि के अनुरूप आचरण करते हुए सदा विचरण करता रहे। श्रुति और स्मृतियों में जिसका विधान हो तथा साधु पुरुष ने जिसका बड़ी भांति सेवन किया हो, उसी आचार का पालन करे। अन्य कार्यों के लिए कदापि चेष्टा नहीं करे। जिसका उसके पिता ने अनुसरण किया हो तथा जिसका पिता मैंने इस अनुसरण किया हो, उसी वृत्ति से वह भी सत्पुरुषों के मार्ग पर चले। उसका अनुसरण करने वाला पुरुष दोष का भागी नहीं होता। प्रतिदिन स्वाध्याय करे, सदा यज्ञोपवीत धारण किया रहे तथा सदा सत्य बोले। क्रोध को जीते और लोभ मोह का प्रत्याग कर दे। गायत्री का जप तथा पितरों का श्राद्ध करने वाला ग्रस्त मुक्त हो जाता है। माता पिता के हित में संलग्न, ब्राह्मणों के कल्याण में तत्पर, दाता, यज्ञिक और वेद भक्त ग्रस्त ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। सदा ही धर्म, अर्थ एवं काम का सेवन करते हुए प्रतिदिन देवताओं का पूजन करे और शुद्ध भाव से उनके चरणों में मस्तक झुकावे। बड़ी वैश्य देव के द्वारा सबको अन्न का भाग दे। निरंतर क्षमा भाव रखे और सब पर दया भाव बनाए रखे।
ऐसे पुरुष को ही ग्रस्त कहा गया है। केवल घर में रहने से कोई ग्रस्त नहीं हो सकता है। क्षमा दया विज्ञान सत्य दम क्षम सदा आध्यात्म चिंतन तथा ज्ञान ये ब्राह्मण के लक्षण हैं। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि विशेषता इन गुणों से कभी च्युत ना हो, अपनी शक्ति के अनुसार धर्म का अनुष्ठान करते हुए निंदित कर्मों का त्याग दे, मोरोपी कीचड़ को धोकर परम उत्तम ज्ञान योग को प्राप्त करके ग्रस्त पुरुष संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। इसमें अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। निंदा प्राजे आक्षेप हिंसा बंधन और वध को तथा दूसरों के क्रोध से उत्पन्न होने वाले दोषों को सह लेना क्षमा है। अपने दुख में करुणा तथा दूसरों के दुख में सौहार्द स्नेहपूर्ण सहानुभूति के होने से मुनियों ने दया कहा है, जो धर्म का साक्षात साधन है। छह अंगों चारों वेद मीमांसा विस्तृत न्याय शास्त्र प्राण और धर्म शास्त्र ये 14 विद्याएं हैं। इन 14 विद्याओं को यथार्थ रूप से धारण करना, इसी को विज्ञान समझना चाहिए। जिससे धर्म की वृद्धि होती है, विधि पूर्वक विद्या का अध्ययन करके तथा धन का उपार्जन कर धर्म कार्य का अनुष्ठान करें, इसे भी विज्ञान कहते हैं। सत्य से मनुष्य लोक पर विजय पाता है, वह सत्य ही परम पद है। जो बात जैसे हुई हो उसे उसी रूप में कहने को मनीषी पुरुषों ने सत्य कहा है। शीर की उपरामता का नाम दम है। बुद्धि की निर्मलता के से क्षम सिद्ध होता है। अक्षर अर्थात अविनाशी पद को अध्यात्म समझना चाहिए। जहां जाकर मनुष्य शोक में नहीं पड़ता, जिस विद्या से षड विद ऐश्वर्य युक्त परम देवता साक्षात भगवान ऋषिकेश का ज्ञान होता है, उसे ज्ञान कहा गया है। जो विद्वान ब्राह्मण उस ज्ञान में स्थित भगवत प्रायण सदा ही क्रोध से दूर रहने वाला पितृ तथा महायज्ञ के अनुष्ठान में तत्पर रहने वाला है, वे उस उत्तम पद को प्राप्त कर लेता है। वे मनुष्य शरीर धर्म का आश्रय है, इसका यतन पूर्वक पालन करना चाहिए, क्योंकि देह के बिना कोई भी पुरुष परमात्मा श्री विष्णु का ज्ञान नहीं प्राप्त कर सकता। द्विज को चाहिए कि वे सदा नियम पूर्वक रहकर धर्म अर्थ और काम के साधन में लगा रहे, धर्महीन काम या अर्थ का कभी मन से चिंतन नहीं करे। धर्म पर चलने से कष्ट हो तो भी अधर्म का आचरण नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म देवता साक्षात भगवान के स्वरूप हैं, वे ही सब प्राणियों की गति हैं। द्विज सब भूतों का प्रिय करने वाला बने, दूसरों के प्रति द्रोह भाव से किए जाने वाले कर्म में मन नहीं लगाए, वेदों और देवताओं की निंदा नहीं करे तथा निंदा करने वालों के साथ निवास नहीं करे। जो ब्राह्मण प्रतिदिन नियम पूर्वक रहकर पवित्रता के साथ इस धर्म अध्याय को पढ़ता अथवा सुनाता है, वह ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। पद्म पुराण के सर खंड में व्यवहारिक शिष्टाचार के वर्णन में व्यास जी कहते हैं, ब्राह्मणों किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करें, कभी झूठ नहीं बोलें, अहित करने वाला तथा अप्रिय वचन मुंह से नहीं निकालें, कभी चोरी नहीं करें, किसी दूसरे की वस्तु चाहे वह तिनका साग मिट्टी या जल की क्यों ना हो, चुराने वाला मनुष्य नरक में पड़ता है। राजा से शूद्र से पतित से तथा दूसरे किसी से भी दान ना ले। यदि विद्वान ब्राह्मण असमर्थ हो उसका दान लिए बिना काम नहीं चले तो भी उसे निंदित पुरुषों को भी त्याग ही देना चाहिए। कभी याचक नहीं बने, याचना करे भी तो एक ही पुरुष से दोबारा याचना ना करे। इस प्रकार सदा या बारंबार मांगने वाला याचक कभी कभी दुर्बुद्धि दाता का प्राण भी ले लेता है। श्रेष्ठ द्विज विशेषता देव संबंधी द्रव्य का अपहरण नहीं करे तथा ब्राह्मण का धन जो कभी आपत्ति पड़ने पर भी ना ले। विष को विष नहीं कहते, ब्राह्मण देवता का धन ही विष कहलाता है, अतः सदा प्रयत्न पूर्वक उससे बचे रहना चाहिए। द्विजो
देव पूजा के लिए सदा एक ही स्थान से मालिक की आज्ञा लिए बिना फूल नहीं तोड़ने चाहिए। विद्वान पुरुष केवल धर्म कार्य के लिए दूसरों के घास, लकड़ी, फल और फूल ले सकता है, किंतु इन्हें सबके सामने दिखा कर ले जाना चाहिए। जो इस प्रकार नहीं करता वे गिर जाता है। विप्रगण, जो लोग कहीं मार्ग में हों और भूख से पीड़ित हों, वे ही किसी खेत से मुट्ठी भर तिल, मूंग या जौ आदि ले सकते हैं। अन्यथा जो भूखे एवं राही ना हों, वे उन वस्तुओं को लेने के अधिकारी नहीं है। यही मर्यादा है। जो वास्तव में अलिंगी हैं, जिसने किसी आश्रय का चिन्ह नहीं ग्रहण किया है, वे भी यदि दिखावे के तौर पर आश्रम विशेष का चिन्ह उसकी वेशभूषा धारण करके जीव का चलाता है, तो वास्तविक लिंगी आश्रम चिन्हधारी पुरुष के पाप को ग्रहण करता है तथा तिर्यक योनि में जन्म लेता है। नीच पुरुष से याचना, योनि संबंध, सहवास और बातचीत करने वाला देश गिर जाता है। अतः इन सब बातों से यत्न पूर्वक दूर रहना चाहिए। देवद्रोह और गुरुद्रोह ना करें। देवद्रोह से भी गुरुद्रोह कोटि कोटि गुना अधिक है तथा उससे भी करोड़ गुना अधिक है दूसरे लोगों पर लांछन लगाना और ईश्वर तथा परलोक पर अविश्वास करना। कुत्सित विचार, क्रिया लोप, वेदों के ना पढ़ने और ब्राह्मण का तिरस्कार करने से उत्तम कुल भी अधम हो जाते हैं। असत्य भाषण, पर स्त्री संगम, अभक्ष्य भक्षण तथा अपने कुल धर्म के विरुद्ध आचरण करने से कुल का शीघ्र नाश हो जाता है। जो गांव अधर्मियों से भरा हो तथा जहां रोगों की अधिकता हो वहां निवास नहीं करें। शूद्र के राज्य में तथा पखंडियों से घिरे हुए स्थान में भी नहीं रहें। द्विज, हिमालय और विंध्याचल के तथा पूर्व समुद्र और पश्चिम समुद्र के बीच के पवित्र देश को छोड़कर अन्यत्र निवास नहीं करें। जिस देश में कृष्णसार मृग सदा स्वभावतः विचरण करता है अथवा पवित्र एवं प्रसिद्ध नदियां प्रवाहित होती हैं, वहीं द्विज को निवास करना चाहिए। श्रेष्ठ द्विज को उचित है कि नदी तट से आधे कोस की भूमि को छोड़कर अन्यत्र निवास नहीं करे। चंडालों के गांव के समीप नहीं रहना चाहिए। पतिथि चंडाल पुलकस निषाद से शूद्रा में उत्पन्न, उसको पुलकस कहते हैं। मूर्ख, अभिमानी अंत्यज तथा निषाद की स्त्री से चंडाल से उत्पन्न पुरुषों के साथ कभी निवास नहीं करे। एक शैया पर सोना, एक आसन पर स्थित होना, एक पंक्ति में बैठना, एक बर्तन में खाना, दूसरे के पके हुए अन्न को अपने अन्न में मिलाकर भोजन करना, यज्ञ करना, पढ़ाना, विवाह संबंध स्थापित करना, साथ बैठकर भोजन करना, साथ साथ पढ़ना और एक साथ यज्ञ कराना, ये संकरता का प्रसार करने वाले 11 संकर ये दोष बताए गए हैं। समीप रहने से भी मनुष्यों के पाप एक दूसरे में फैल जाते हैं, इसलिए पूरा प्रयत्न करके संकरे दोष से बचना चाहिए। जो राख आदि से सीमा बनाकर एक पंक्ति में बैठते और एक दूसरे का स्पर्श नहीं करते, उनमें संकरता का दोष नहीं आता। अग्नि, भस्म, जल, विशेषता, द्वार, खंभा तथा मार्ग, इन 6 से पंक्ति का भेद पृथककरण होता है। अकारण वैर नहीं करें, विवाद से दूर रहें, किसी की चुगली नहीं करें, दूसरे के खेत में चरती ही गोय का समाचार कदापि नहीं कहें, चुगलखोर के साथ नहीं रहें, किसी को चुभने वाली बात नहीं कहें, सूर्यमंडल का घेरा, इंद्रधनुष बाण से प्रकट हुई आग, चंद्रमा तथा सोना, इन सब की ओर विद्वान पुरुष दूसरे का ध्यान आकृष्ट नहीं करें। बहुतों से मनुष्यों तथा भाई बंधुओं के साथ विरोध नहीं करें। जो बर्ताव अपने लिए प्रतिकूल जान पड़े उसे दूसरों के लिए नहीं करें। द्विजवरो, अपवित्र अवस्था में स्त्री अथवा अपवित्र मनुष्य के साथ बातचीत नहीं करें।
देवता गुरु और ब्राह्मण के लिए किए जाने वाले दान में रुकावट नहीं डाले, अपनी प्रशंसा नहीं करे और दूसरों की निंदा का त्याग करते। वेद निंदा और देव निंदा का यत्न पूर्वक त्याग करे। मुनीश्वरों, जो द्विज देवताओं ऋषियों अथवा वेदों की निंदा करता है, शास्त्रों में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। जो गुरु देवता वेद अथवा उसका विस्तार करने वाले इतिहास पुराण की निंदा करता है, मनुष्य 100 करोड़ कल्प से अधिक काल तक रौरव नरक में पकाया जाता है। जहां इनकी निंदा होती हो वहां चुप रहें, किसी को उत्तर नहीं दें, कान बंद करके वहां से चले जाएं, निंदा करने वाले की ओर दृष्टिपात नहीं करें। विद्वान पुरुष दूसरों की निंदा नहीं करे, अच्छे पुरुषों के साथ कभी विवाद नहीं करे, पापियों के पाप की चर्चा नहीं करे। जिन पर झूठा कलंक लगाया जाता है, उन मनुष्यों के रोने से जो आंसू गिरते हैं, वो मिथ्या कलंक लगाने वालों के पुत्र और पशुओं का विनाश कर डालते हैं। ब्रह्म हत्या, सुरापान, चोरी और गुरु पत्नी गमन आदि पापों से शुद्ध होने का उपाय वृद्ध पुरुषों ने देखा है, किंतु मिथ्या कलंक लगाने वाले मनुष्यों की शुद्धि का कोई उपाय नहीं देखा गया है। बिना किसी नियमत के सूर्य और चंद्रमा को उदय काल में नहीं देखें। उसी प्रकार अस्त होते हुए जल में प्रतिबिंबित, मेघ से ढके हुए, आकाश के मध्य में स्थित, छिपे हुए तथा दर्पण आदि से छाया के रूप में दृष्टिगोचर होते हुए सूर्य चंद्रमा को भी नहीं देखें। नग्न स्त्री और नग्न पुरुष की ओर भी कभी दृष्टिपात नहीं करें। मलमूत्र को नहीं देखें। विद्वान पुरुष अपवित्र अवस्था में सूर्य चंद्रमा आदि ग्रहों की ओर नहीं देखे। उच्छिष्ट अवस्था में या कपड़े से अपने सारे बदन को ढककर दूसरों से बातचीत नहीं करें। क्रोध में भरे हुए गुरु के मुख पर दृष्टि नहीं डालें। तेर और जल में अपनी परछाई नहीं देखें। भोजन समाप्त हो जाने पर झूठी पंक्ति की ओर दृष्टिपात नहीं करें। बंधन से खुले हुए और मतवाले हाथी की ओर दृष्टि नहीं डालें। पत्नी के साथ भोजन ना करें। भोजन करती, छींकती, जुभाई लेती और अपनी मौज से आसन पर बैठी हुई भार्या की ओर दृष्टिपात नहीं करें। बुद्धिमान पुरुष किसी शुभ या अशुभ वस्तु को ना तो लांघे, ना उसका पैर ही रखे। कभी क्रोध के अधीन नहीं होना चाहिए। राग और द्वेष का त्याग करना चाहिए तथा लोभ, दंभ, अवज्ञा, दोष दर्शन, ज्ञान निंदा, ईर्ष्या, मद, शोक और मोह आदि दोषों को छोड़ देना चाहिए। किसी को पीड़ा न दे। पुत्र शिष्य को शिक्षा के लिए ताड़ना दे। नीच पुरुषों की सेवा नहीं करो और कभी तृष्णा में मन न लगावे। दीनता को यत्न पूर्वक त्याग दे। विद्वान पुरुष किसी विशिष्ट व्यक्ति का अनादर ना करे। नक से धरती ना करे दे। गौ को जबरदस्ती ना बिठावे। साथ साथ यात्रा करने वाला को कभी ठहरने या भोजन करने के समय छोड़ ना दे। नग्न होकर जल में प्रवेश ना करे। अग्नि को नहीं लांगे। मस्तक पर लगाने से बचे हुए तेल को शीद में ना लगावे। सांप और हथियारों से खिलवाड़ नहीं करे। अपनी इंद्रियों का स्पर्श नहीं करे। रोमावनियों तथा गुप्त अंगों को भी नहीं छुए। अशिष्ट मनुष्यों के साथ यात्रा नहीं करे। हाथ, पैर, वाणी, नेत्र, शिश्न, उदर तथा कान आदि को चंचल ना होने दे। अपने शीर और नख आदि से बाजे का काम नहीं ले। अंजलि से जल ना पिए। पानी पर कभी पैर या हाथ से आघात नहीं करे। ईंटे मारकर कभी फल या मूल ना तोड़े। मृच्छों की भाषा ना सीखे। पैर से आसन ना खींचे। बुद्धिमान पुरुष अकरण नाक तोड़ना, ताल ठोकना, धरती पर रेखा खींचना या अंगों को मसलना आदि व्यर्थ का कार्य नहीं करे। खाद्य पदार्थ को गोद में लेकर नहीं खाए। व्यर्थ की चेष्टा नहीं करे। नाच गान नहीं करे। बाजे नहीं बजावे। दोनों हाथ सटाकर अपना सिर ना खुजलावे। जुआ नहीं खेले। दौड़ते हुए नहीं चले। पानी में पेशाब या पखाना नहीं करे। जूठे मुंह बैठना या लेटना निषिद्ध है। नग्न होकर स्नान नहीं करे। चलते हुए नहीं पड़े। दांतों से नक और रोवे नहीं काटे। सोए हुए को ना जगावे। सवेरे की धूप का सेवन नहीं करे। चिता के धुएं से बचकर रहे। सुने घर में नहीं सोए। अकरण नहीं थूके।
भुजाओं से तैरकर नदी पार न करे, पैर से कभी पैर को न धोए, पैरों को आग में न तपावे, कांसी के बर्तन में पैर नहीं धुलावे, देवता ब्राह्मण गौ वायु अग्नि राजा सूर्य तथा चंद्रमा की ओर पांव नहीं पखारे, अशुद्ध अवस्था में शयन यात्रा सिद्धाय स्नान भोजन तथा बाहर प्रस्थान नहीं करे, दोनों संध्याओं तथा मध्यान्ह के समय शयन शोर कर्म स्नान उपटन भोजन तथा यात्रा नहीं करे, ब्राह्मण जूठे मुंह गौ ब्राह्मण तथा अग्नि का स्पर्श नहीं करे, उन्हें पैर से कभी नहीं छेड़े और देवता की प्रतिमा का भी जूठे मुंह स्पर्श नहीं करे, अशुद्ध अवस्था में अग्निहोत्र तथा देवताओं और ऋषियों का कीर्तन नहीं करे, अघात जल में नहीं घुसे तथा अकारण नहीं तोड़े, बाएं हाथ से जल उठाकर या पानी में मुंह लगाकर ना पिए, आचमन किए बिना जल में ना उतरे, पानी में वीर नहीं छोड़े, अपवित्र तथा बिना लिपी हुई भूमि रक्त तथा विष को लांग कर नहीं चले, अपवित्र स्त्री के साथ अथवा जल में संग नहीं करे, देवालय या शमशान भूमि में स्थित वृक्षों नहीं काटे, जल में नहीं थूके, हड्डी राख ठीकरे बाल कांटे भूसी कोयल तथा कंडों पर कभी पैर नहीं रखे, बुद्धिमान पुरुष ना तो अग्नि को लांगे और ना कभी उसे नीचे रखे, अग्नि की ओर पैर नहीं करे और मुंह से उसे कभी नहीं फूके, पेड़ पर नहीं चढ़े, अपवित्र अवस्था में किसी की ओर दृष्टिपात नहीं करें, आग में आग नहीं डालें तथा उसे पानी डालकर ना बुझावें, अपने किसी सहृद की मृत्यु का समाचार स्वयं दूसरे को ना सुनावे, माल बेचते समय बेमोल का भाव अथवा झूठा मूल्य न बतावे, विद्वान को उचित है कि वह मुख के निश्वास से और अपवित्र अवस्था में अग्नि को प्रज्वलित नहीं करे, पहले की हुई प्रतिज्ञा भंग नहीं करे, पशुओं पक्षियों तथा व्याधों को परस्पर न लड़ावे, जल वायु और धूप आदि के द्वारा दूसरे को कष्ट ना पहुंचावे, पहले अच्छे कर्म करवाकर बाद में गुरुजनों को धोखा ना दे, सेरे और सायकाल को रक्षा के लिए घर के दरवाजे को बंद कर दे, विद्वान ब्राह्मण को भोजन करते समय खड़े होना और बातचीत करना करते समय हंसना उचित नहीं है, अपने द्वारा स्थापित अग्नि को हाथ से ना छुए तथा देर तक जल के भीतर नहीं रहे, अग्नि को पंखे से सूप से हाथ से अथवा मुंह से नहीं भूके, विद्वान पुरुष प्राय स्त्री से वार्तालाप नहीं करे, जो यज्ञ कराने योग्य नहीं है उसका यज्ञ नहीं कराए, ब्राह्मण कभी अकेला नहीं चले और समुदाय से भी दूर रहे, कभी देवालय को बाएं रखकर नहीं जाए, वस्त्रों को कूटे नहीं और देव मंदिर में सोए नहीं, अधार्मिक मनुष्यों के साथ भी ना चले, रोगी शूद्र तथा पति मनुष्यों के साथ भी यात्रा करना मना है, द्विज बिना जूते के नहीं चले, जल आदि का प्रबंध किए बिना यात्रा नहीं करे, मार्ग में चिता को बाएं करके ना जाए, योगी सिद्ध व्रतधारी सन्यासी देवालय देवता तथा याज्ञिक पुरुषों को कभी निंदा नहीं करे, जानबूझकर गौ तथा ब्राह्मण की छाया पर पैर न रखे, झाड़ों की धूल से बचकर रहे, स्नान किया हुआ वस्त्र तथा घड़े से छलकता हुआ जल इन दोनों के स्पर्श से बचना चाहिए, द्विज को उचित है कि वे अभक्ष्य वस्तु का भक्षण और नहीं पीने योग्य वस्तु का पान नहीं करे। पद्म प्राण के सर खंड में गृहस्थ धर्म में भक्ष्य भक्ष का विचार और दान धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरो, ब्राह्मण को शूद्र का अन्न नहीं खाना चाहिए। जो ब्राह्मण आपत्ति काल के बिना ही मोह वश या स्वेच्छा से शूद्र का अन्न भक्षण करता है, वह मरकर शूद्र योनि में जन्म लेता है। जो द्विज 6 मास तक शूद्र के कुत्सित अन्न का भोजन करता है, वह जीते जी ही शूद्र के समान हो जाता है और मरने पर कुत्ता होता है। मनीषरो, मनुष्य ब्राह्मण क्षत्रि वैश्य तथा शूद्र जिसके अन्न को पेट में रखकर प्राण त्याग करता है, उसी की योनि में जन्म लेता है। नट नाचने वाला चंडाल चमार समुदाय तथा वैश्य
इन 6 के अन्न का प्रत्याग करना चाहिए। तेली, धोबी, चोर, शराब बेचने वाला, नाचने गाने वाला, लोहार तथा मरना शोच से युक्त मनुष्य का अन्न भी त्याग देना चाहिए। कुम्हार, चित्रकार, सूदखोर, पतित, द्वितीय पति स्वीकार करने वाली स्त्री के पुत्र, अभिशापग्रस्त, सुनार, रंगमंच पर खेल दिखाकर जीवन निर्वाह करने वाले, व्याध, बंध्या, रोगी, चिकित्सक, वैद्य या डॉक्टर, व्यभिचारिणी स्त्री, हाकिम, नास्तिक, देवनिंदक, सोमरस का विक्रय करने वाले, स्त्री के वशभूत रहने वाले, स्त्री के उपपति को घर में रखने वाले, पुरुष प्रतित्यक्त, कृपण, जूठा खाने वाले, महापापी, शस्त्रों से जीविका चलाने वाले, भयभीत तथा रोने वाले मनुष्य का अन्न भी त्याज्य है। ब्रह्मदेशी और पाप में रुचि रखने वाले का अन्न, मृतक के श्राद्ध का अन्न, बलि वैश्य दे रहित रसोई का अन्न तथा रोगी का अन्न भी नहीं खाना चाहिए। संतानहीन स्त्री, कृतघ्न, कारीगर और नाजिर तथा परिवेता बड़े भाई को अविवाहित छोड़कर अपना विवाह करने वाले, उसका अन्न भी खाने योग्य नहीं है। पुनर्विवाहिता स्त्री तथा द्विदुषी पति का अन्न भी त्याज्य है। अवहेलना, अनादर तथा रोषपूर्वक मिला हुआ अन्न भी नहीं खाना चाहिए। गुरु का अन्न भी यदि संस्कार रहित हो तो वह भोजन करने योग्य नहीं, क्योंकि मनुष्य का सारा पाप अन्न में ही स्थित होता है। जो जिसका अन्न खाता है वह उसी का पाप भोजन करता है। किसान, कुलमित्र अर्थात कुर्मी, गोपाल अर्थात ग्वाला, दास, नाई तथा आत्मसमर्पण करने वाला पुरुष, इनका अन्न भोजन के लिए योग्य है। कुशीलम, चारण और क्षेत्र कर्मक, खेत में काम करने वाले, इनका भी अन्न खाने योग्य है। विद्वान पुरुष इन्हें थोड़ी कीमत देकर इनका अन्न ग्रहण कर सकते हैं। तेल में पकाई हुई वस्तु, गोरस, सत्तू, तिल की खली और तेल, ये वस्तुएं द्विजातियों द्वारा शूद्र से ग्रहण करने योग्य हैं। भांटा, कमलनाल, कुसुम, प्याज, लहसुन, शुक्त और गोंद का त्याग करना चाहिए। छत्राक तथा यंत्र से निकाले हुए आसव आदि का भी प्रत्याग करना उचित है। गाजर, मूली, कुमड़ा, गुल्लर और लौकी खाने से द्विज गिर जाता है। रात में तेल और दही का यत्नपूर्वक त्याग करना चाहिए। दूध के साथ मट्ठा और नमकीन अन्न नहीं मिलाना चाहिए। जिस अन्न के प्रति दूषित भावना हो गई हो, जो दुष्ट पुरुषों के संपर्क में आ गया हो, जिसे कुत्ते ने सूंघ लिया हो, जिस पर चंडाल, रसोला स्त्री अथवा पतितों की दृष्टि पड़ गई हो, जिसे गाय ने सूंघ लिया हो, जिसे कौवे अथवा मुर्गे ने छू लिया हो, जिसमें कीड़े पड़ गए हों, जो मनुष्यों द्वारा सूंघा अथवा कोड़ी से छू गया हो, जिसे रसवला, व्याभिचारिणी तथा रोगिणी स्त्री ने दिया हो, ऐसे अन्न को त्याग देना चाहिए। दूसरे का वस्त्र भी त्याज्य है। बिना बछड़े की गाय का, ऊंटनी का, एक खुर वाले पशु, घोड़ी आदि का, भेड़ का तथा हथनी का दूध पीने योग्य नहीं है। यह मनु का कथन है। मांस भक्षण नहीं करें। द्विजातियों के लिए मद्रा किसी को देना, स्वयं उसे पीना, उसका स्पर्श करना तथा उसकी ओर देखना भी मना है, पाप है, उससे सदा दूर ही रहना चाहिए। यही सनातन मर्यादा है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न करके सर्दा मध्य का त्याग करें। जो द्विज मध्यपान करता है वह द्विजोचित कर्मों से भ्रष्ट हो जाता है, उससे बात भी नहीं करनी चाहिए। अतः ब्राह्मण को सदा यत्नपूर्वक भक्ष्य एवं अपेय वस्तुओं का परित्याग करना उचित है।
यदि त्याग न करके उक्त निषिद्ध वस्तुओं का सेवन करता है तो वह रुद्र नरक में जाता है। अब मैं परम उत्तम दान धर्म का वर्णन करूंगा। इसे पूर्व काल में ब्रह्मा जी ने ब्रह्मवादी ऋषियों को उपदेश किया था। योग्य पात्र को श्रद्धापूर्वक धन अर्पण करना दान कहलाता है। ओंकार के उच्चारण पूर्वक किया हुआ दान भोग और मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाला होता है। दान तीन प्रकार का बताया गया है, नित्य, नैमित्तिक और काम्य। एक चौथा प्रकार भी है जिसे विमल नाम दिया गया है। विमल दान सब प्रकार के दानों में परम उत्तम है। जिसका अपने ऊपर कोई उपकार ना हो ऐसे ब्राह्मण को फल की इच्छा न रखकर प्रतिदिन जो कुछ दिया जाता है वह नित्य दान है। जो पापों की शांति के लिए विद्वानों के हाथ में अर्पण किया जाता है उसे श्रेष्ठ पुरुषों ने नैमित्तिक दान बताया है। वे भी उत्तम दान है जो संतान विजय अवश्य ऐश्वर्य और सुख की प्राप्ति के उद्देश्य से दिया जाता है। उसे धर्म का विचार करने वाले ऋषियों ने काम्य दान कहा है। तथा जो भगवान जी की प्रसन्नता के लिए धर्म युक्त चित्त से ब्रह्मवेत्ता पुरुषों को कुछ अर्पण किया जाता है वे कल्याण में दान विमल सात्विक माना गया है। सुयोग्य पात्र के मिलने पर अपनी शक्ति के अनुसार दान अवश्य करना चाहिए। कुटुंब को भोजन और वस्त्र देने के बाद जो बच रहे उसी का दान करना चाहिए। अन्यथा कुटुंब का भरण पोषण किए बिना जो कुछ दिया जाता है वे दान दान का फल देने वाला नहीं होता। वेद पाठी, कुलीन, विनीत, तपस्वी, व्रत प्रायण एवं द्विरिद्र को भक्तिपूर्वक दान देना चाहिए। जो अग्निहोत्री ब्राह्मण को भक्तिपूर्वक पृथ्वी का दान करता है वह उस परम धाम को प्राप्त होता है जहां जाकर जीव कभी शोक नहीं करता। जो मनुष्य वेदवेता ब्राह्मण को गन्नों से भरी हुई तथा जौ और गेहूं की खेती से लहलहाती हुई भूमि दान करता है वह फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जो दृढ़ ब्राह्मण को गौ के चमड़े बराबर भूमि भी प्रदान करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है। भूमि दान से बढ़कर इस संसार में दूसरा कोई दान नहीं है। केवल अन्न दान उसकी समानता करता है और विद्या दान उससे अधिक है। जो शांत, पवित्र और धर्मात्मा ब्राह्मण को विधि पूर्वक विद्या दान करता है वे ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठित होता है। गृहस्थ ब्राह्मण को अन्न दान करके मनुष्य उत्तम फल को प्राप्त होता है। गृहस्थ को अन्न ही देना चाहिए, उसे देकर मानव परम गति को प्राप्त होता है। वैशाख की पूर्णिमा को विधिपूर्वक उपवास करके शांत, पवित्र एवं एकाग्रचित होकर काले तिलों और विशेषतः मधु से 7 या 5 ब्राह्मणों की पूजा करें तथा इससे धर्मराज प्रसन्न हो ऐसी भावना करें। जब मन में ये भाव स्थिर हो जाता है उसी क्षण मनुष्य के जीवन भर के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। काले मृग चर्म पर तिल, सोना, मधु और घी रखकर जो ब्राह्मण को दान देता है वह सब पापों से तर जाता है। जो विशेषता वैशाख की पूर्णिमा को धर्मराज के उद्देश्य से ब्राह्मणों को घी और अन्न सहित जल का घड़ा दान करता है वह भय से छुटकारा पा जाता है। जो स्वर्ण और तिल सहित जल के पात्रों से 7 या 5 ब्राह्मणों को तृप्त करता है वह ब्रह्म हत्या से छूट जाता है। माघ मास के कृष्ण पक्ष में द्वादशी तिथि को उपवास करें और श्वेत वस्त्र धारण करके काले तिलों से अग्नि में हवन करें। तत्पश्चात एकाग्रचित होकर ब्राह्मणों को तिलों का ही दान करें। इससे दिज जन्म भर के किए हुए सब पापों को पार कर जाता है। अमावस्या आने पर देव देवेश्वर भगवान श्री विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी बन पड़े तपस्वी ब्राह्मण को दान दें और सबका शासन करने वाले इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री विष्णु प्रसन्न हो ये भाव रखें। ऐसा करने से 7 जन्मों के किए हुए पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को स्नान करके ब्राह्मण के मुख में अन्न डालकर इस प्रकार भगवान शंकर की आराधना करता है उसका पुनः संसार में जन्म नहीं होता। विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को स्नान करके चरण धोने आदि के द्वारा विधि पूर्वक पूजा करने के पश्चात धार्मिक
ब्राह्मण को मुझ पर महादेव जी प्रसन्न हो इस उद्देश्य से अपना द्रव्य दान करना चाहिए। ऐसा करने वाला पुरुष सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होता है। भक्त द्विजों को उचित है कि वे कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी, अष्टमी तथा विशेषतः अमावस्या के दिन भगवान महादेव जी की पूजा करें। जो एकादशी को निराहार रहकर द्वादशी को ब्राह्मण के मुख में अन्न दे इस प्रकार पुरुषोत्तम की अर्चना करता है वह परम पद को प्राप्त होता है। ये शुक्ल पक्ष की द्वादशी भगवान विष्णु की तिथि है। इस दिन भगवान जनार्दन की प्रयत्न पूर्वक आराधना करनी चाहिए। भगवान शंकर अथवा श्री विष्णु के उद्देश्य से जो कुछ भी पितृ ब्राह्मण को दान दिया जाता है उसका अक्षय फल माना गया है। जो मनुष्य जिस देवता की आराधना करना चाहे उसके उद्देश्य से ब्राह्मणों का ही यत्न पूर्वक पूजन करे, इससे वह उस देवता को संतुष्ट कर लेता है। देवता सदा ब्राह्मणों के शीर का आश्रय लेकर ही रहते हैं। ब्राह्मणों के ना मिलने पर वे कहीं कहीं प्रतिमा आदि से भी पूजित होते हैं। प्रतिमा आदि से बहुत यत्न करने पर अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है, अतः सदा विशेषतः द्विजों में ही देवताओं का पूजन करना उचित है। ऐश्वर्य चाहने वाला मनुष्य रुद्र इंद्र की पूजा करे। ब्रह्म तेज और ज्ञान चाहने वाला पुरुष ब्रह्मा जी की आराधना करे। आरोग्य की अभिलाषा रखने वाला पुरुष सूर्य की, धन की कामना वाला मनुष्य अग्नि की तथा कर्मों की सिद्धि चाहने वाला पुरुष गणेश जी का पूजन करे। जो भक्त चाहता हुए चंद्रमा की, बल चाहने वाला वायु की तथा संपूर्ण संसार बंधन से छूटने की अभिलाषा रखने वाला मनुष्य यत्नपूर्वक श्री हरि की आराधना करे। जो योग मोक्ष तथा ईश्वरीय ज्ञान तीनों की इच्छा रखता हो वह यत्न करके देवताओं के स्वामी महादेव जी की अर्चना करे। जो महान भोग तथा विविध प्रकार के ज्ञान चाहते हैं वे भोगी पुरुष श्री भूतनाथ महेश्वर तथा भगवान श्री विष्णु की पूजा करते हैं। जल देने वाले मनुष्य की तृप्ति होती है, अतः जल दान का महत्व अधिक है। तेल दान करने वाले को अनुकूल संतान और दीप देने वाले को उत्तम नेत्र की प्राप्ति होती है। भूमि दान करने वाले को सब कुछ सुलभ होता है। स्वर्ण दाता को दीर्घायु प्राप्त होती है। गृह दान करने वाले को श्रेष्ठ भवन और चांदी दान करने वाले को उत्तम रूप मिलता है। वस्त्र दान करने वाला चंद्रमा के लोक में जाता है। अश्व दान करने वाले को उत्तम सवारी मिलती है। अन्नदाता को अभिष्ट संपत्ति और गोदान करने वाले को सूर्य लोक की प्राप्ति होती है। सवारी और शैया दान करने वाले पुरुष को पत्नी मिलती है। अभेदान करने वाले को ऐश्वर्य प्राप्त होता है। धान्यदाता को सनातन सुख और ब्रह्म वेद दान करने वाले को शाश्वत ब्रह्म लोक की प्राप्ति होती है। जो वेद विद्या विशिष्ट ब्राह्मणों को अपनी शक्ति के अनुसार अनाज देता है वह मृत्यु के पश्चात स्वर्ग का सुख भोगता है। गौओं को अन्न देने से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। ईंधन दान करने से मनुष्य की जठर अग्नि दीप्त होती है। जो ब्राह्मणों को फल मूल पीने योग्य पदार्थ तथा तरह तरह के शाक दान करता है वह सदा आनंदित होता है। जो रोगी के रोग को शांत करने के लिए उसे औषध तेल और आहार प्रदान करता है वह रोगहीन सुखी और दीर्घायु होता है। जो छत्र और जूते दान करता है वह नरकों के अंतर्गत असी पत्र वन छुरे की धार से युक्त मार्ग तथा तीखे ताप से बच जाता है। संसार में जो जो वस्तु अत्यंत प्रिय मानी गई है तथा जो मनुष्य के घर में अपेक्षित है उसी को यदि अक्षय बनाने की इच्छा हो तो गुणवान ब्राह्मण को उसका दान करना चाहिए। अयन परिवर्तन के दिन विषु नामक योग आने पर चंद्रमा सूर्य के ग्रहण में तथा संक्रांति आदि के अवसरों पर दिया हुआ दान अक्षय होता है। प्रयाग आदि तीर्थों, पुण्य मंदिरों, नदियों तथा वनों में भी दान करके मनुष्य अक्षय फल का भागी होता है। प्राणियों के लिए इस संसार में दान धर्म से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है। इसलिए त्रिजातियों को चाहिए कि वे क्षत्रिय ब्राह्मण को अवश्य दान दे। ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले पुरुष स्वर्ग की प्राप्ति के लिए तथा मोक्ष पुरुष
पापों की शांति के लिए प्रतिदिन ब्राह्मण को दान देते रहे। जो पापात्मा मानव गौ ब्राह्मण अग्नि और देवता के लिए दी जाने वाली वस्तु को मोहवश रोक देता है उसे पशु पक्षियों की योनि में जाना पड़ता है। जो द्रव्य का उपार्जन करके ब्राह्मणों और देवताओं का पूजन नहीं करता उसका सर्वस्व छीनकर राजा उसे राज्य से बाहर निकाल दे। जो काल के समय ब्राह्मणों के मरते रहने पर भी अन्न आदि का दान नहीं करता वह ब्राह्मण निंदित है। ऐसे ब्राह्मण से दान नहीं लेना चाहिए तथा उसके साथ निवास भी नहीं करना चाहिए। राजा को उचित है कि वह उसके शरीर में कोई चिन्ह अंकित करके उसे अपने राज्य से बाहर कर दे। द्विजोत्तमगण, जो ब्राह्मण सिद्धायशील विद्वान जितेंद्रिय तथा सत्य और संयम से युक्त हों उन्हें दान करना चाहिए। जो सम्मानपूर्वक देता है और सम्मानपूर्वक ग्रहण करता है वे दोनों स्वर्ग में जाते हैं। इसके विपरीत आचरण करने पर उन्हें नरक में गिरना पड़ता है। यदि अविद्वान ब्राह्मण चांदी सोना गौ घोड़ा पृथ्वी और तिल आदि का दान ग्रहण करे तो सूखे ईंधन की भांति भस्म हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मण को उचित है कि वे उत्तम ब्राह्मणों से धन लेने की इच्छा रखें। क्षत्रिय और वैश्यों से भी वह धन ले सकता है किंतु शूद्र से तो वह किसी प्रकार धन नहीं ले। अपनी जीव का वृत्ति को कम करने की ही इच्छा रखे, धन बढ़ाने की चेष्टा नहीं करे। धन के लोभ में फंसा हुआ ब्राह्मण ब्राह्मणत्व से भी भ्रष्ट हो जाता है। संपूर्ण वेदों को पढ़कर और सब प्रकार के यज्ञों का पुण्य पाकर भी ब्राह्मण उस गति को नहीं पा सकता जिसे वह संतोष से पा लेता है। दान लेने की रुचि ना रखे, जीवन निर्वाह के लिए जितना आवश्यक है उससे अधिक धन ग्रहण करने वाला ब्राह्मण अधोगति को प्राप्त होता है। जो संतोष नहीं धारण करता वह स्वर्ग लोक को पाने का अधिकारी नहीं है। वह लोभवश प्राणियों को उद्विग्न करता है। चोर की जैसी स्थिति है वैसी ही उसकी भी है। गुरुजनों और भृतजनों के उद्धार की इच्छा रखने वाला पुरुष देवताओं और अतिथियों का तर्पण करने के लिए सब ओर से प्रतिग्रह ले किंतु उसे अपनी तृप्ति का साधन न बनावे। स्वयं उसका भोग नहीं करे। इस प्रकार ग्रस्त पुरुष मन को वश में करके देवताओं और अतिथियों का पूजन करता हुआ जितेंद्रिय भाव से रहे तो वह परम पद को प्राप्त कर लेता है। तंत्र ग्रस्त पुरुष को उचित है कि पत्नी को पुत्रों के हवाले कर दे और स्वयं वन में जाकर तत्व का ज्ञान प्राप्त करके सदा एकाग्रचित होकर उदासीन भाव से अकेला विचरे। द्विजवरो, ये ग्रस्तों का धर्म है जिसका मैंने आप लोगों से वर्णन किया है। इसे जानकर नियम पूर्वक आचरण में लाए और दूसरे द्विजों से भी इसका अनुष्ठान करावे। जो इस प्रकार ग्रस्त धर्म के द्वारा निरंतर एक अनादि देव ईश्वर का पूजन करता है वह संपूर्ण भूत योनियों का अतिक्रमण करके परमात्मा को प्राप्त होता है और फिर संसार में जन्म नहीं लेता। पदम प्राण के सर खंड में वानप्रस्थ आश्रम के धर्म का वर्णन व्यास जी कहते हैं। द्विजवरो, इस प्रकार आयु के दो भाग व्यतीत होने पर ग्रस्त आश्रम में रहकर पत्नी तथा अग्नि सहित वानप्रस्थ आश्रम में प्रवेश करे अथवा पत्नी का भार पुत्रों पर रखकर या पुत्र के पुत्र को देख लेने के पश्चात जरा जीर्ण कलेवर को लेकर वन के लिए प्रस्थान करे। उत्तरायण का श्रेष्ठ काल आने पर शुक्ल पक्ष के पूर्वान भाग में वन में जाए और वहां नियमों का पालन करते हुए एकाग्रचित होकर तपस्या करे। प्रतिदिन फल मूल का पितृ आहार ग्रहण करे। जैसा अपना आहार हो उसी से देवताओं और पुत्रों का पूजन करे। नित्य प्रति अतिथि सत्कार करता रहे। स्नान करके देवताओं की पूजा करे। घर में लाकर एकाग्रचित होकर 8 ग्रास भोजन करे। सदा जटा धारण किए रखे। नाक और रोए न कटाए। श्रद्धा से ध्याय किया करे। अन्य समय में मौन रहे। अग्निहोत्र करता रहे तथा अपने आप उत्पन्न हुए भांति भांति के पदार्थों और शाक या फल मुख फल
के द्वारा पंच महायज्ञ का अनुष्ठान करे, सदा फटा पुराना वस्त्र पहने, तीनों समय स्नान करे, पवित्रता से रहे, पति ग्रह ना लेकर संपूर्ण प्राणियों पर दया करता रहे। दीठ को चाहिए कि वह नियम पूर्वक दर्श एवं पौर्णमास नामक यज्ञों का अनुष्ठान करे। ऋत्विष्टि, अग्रायन तथा चतुर्मासी व्रतों का भी आचरण करे। क्रमशः उत्तरायण और दक्षिणायन यज्ञ करे। वसंत और शरद ऋतुओं में उत्पन्न हुए पवित्र पदार्थों को स्वयं लाकर उनके द्वारा पुरुडाश और चरु बनावे और विधिपूर्वक पृथक पृथक देवताओं को अर्पण करे। परम पवित्र जंगली अन्न द्वारा निर्मित हविष्य का देवताओं के निमित्त हवन करके स्वयं भी यज्ञ शेष अन्न का भोजन करे। मध्य मास का त्याग करे। जमीन पर उगा हुआ तृण, घास तथा भेड़े के फल नहीं खाए। हाल में जोते हुए खेत का अन्न किसी के देने पर भी ना खाए। कष्ट में पड़ने पर भी ग्रामीण फूलों और फलों का उपभोग नहीं करे। श्रौत विधि के अनुसार सदा अग्निदेव की उपासना अग्निहोत्र करता रहे। किसी भी प्राणी से द्रोह नहीं करे। निर्द्वंद और निर्भय रहे। रात में कुछ भी ना खाए। उस समय केवल परमात्मा के ध्यान में संलग्न रहे। इंद्रियों को वश में करके क्रोध को काबू में रखे। तत्व ज्ञान का चिंतन करे। सदा ब्रह्मचर्य का पालन करता रहे। अपनी पत्नी से भी संसर्ग ना करे। जो पत्नी के साथ वन में जाकर कामना पूर्वक संसर्ग करता है उसका वानप्रस्थ व्रत नष्ट हो जाता है तथा वह द्विज प्राश्चित का भागी होता है। वहां उससे जो बच्चा पैदा होता है वह द्विजातियों के स्पर्श करने योग्य नहीं रहता। उस बालक का वेद अध्ययन भी में अधिकार नहीं होता। यही बात उसके वंश में होने वाले अन्य लोगों के लिए भी लागू होती है। वानप्रस्थी को सदा भूमि पर शयन करना और गायत्री के जप में तत्पर रहना चाहिए। वह सब भूतों की रक्षा में तत्पर रहे और सत्पुरुषों को सदा अन्न का भाग देता रहे। उसे निंदा, मिथ्या, अपवाद, अधिक निद्रा और आलस्य का प्रत्याग करना चाहिए। वह एकमात्र अग्नि का सेवन करे। कोई घर बनाकर ना रहे, भूमि पर जल छिड़क कर बैठे, जितेंद्रिय होकर मृगों के साथ विचरे और उन्हीं के साथ निवास करे। एकाग्रचित होकर पत्थर या कंकर पर सो रहे। वानप्रस्थ आश्रम के नियम में स्थित होकर केवल फूल, फल और मूल के द्वारा सदा जीवन निर्वाह करे। वह भी तोड़कर नहीं जो स्वभावतः पक कर अपने आप झड़ गया हो, उन्हीं का उपभोग करे। पृथ्वी पर लौटता रहे अथवा पंजों के बल पर दिन भर खड़ा रहे। कभी धैर्य का त्याग नहीं करे। गर्मी में पंचाग्नि का सेवन करे। वर्षा के समय खुले मैदान में रहे। हेमंत ऋतु में भीगा वस्त्र पहने रहे। इस प्रकार क्रमशः अपनी तपस्या को बढ़ाता रहे। तीनों समय स्नान करके देवताओं और पितरों का तर्पण करे। एक पैर से खड़ा रहे अथवा सदा सूर्य की किरणों का पान करे। पंचाग्नि के धूम, गर्मी अथवा सोमरस का पान करे। शुक्ल पक्ष में जल और कृष्ण पक्ष में गोबर का पान करे अथवा सूखे पत्ते चबा कर रहे अथवा और किसी क्लेश में वृत्ति से सदा जीवन निर्वाह करे। योग अभ्यास में तत्पर रहे। प्रतिदिन रुद्र अष्टाध्यायी का पाठ किया करे। अथर्ववेद का अध्ययन और वेदांत का आरंभ करे। आलस्य छोड़कर सदा यम नियमों का सेवन करे। काला मृग चर्म और त्रिय वस्त्र धारण करे। श्वेत यज्ञोपवीत पहने। अग्नियों को अपने आत्मा में आरोपित करके धर्मप्रायण हो जाए अथवा अग्नि और गृह से रहित हो मुनि भाव से रहते हुए मोक्ष प्रायण हो जाए। यात्रा के समय तपस्वी ब्राह्मणों से ही भिक्षा ग्रहण करे अथवा मन में निवास करने वाले अन्य गृहस्थों से भी वह भिक्षा ले सकता है। ये भी संभव ना हो तो वह गांव से ही 8 ग्रास लाकर भोजन करे और सदा वन में ही रहे। दोने में, हाथ में अथवा टुकड़े में लेकर खाए। आत्मज्ञान के लिए नाना प्रकार के उपनिषदों का अभ्यास करे। किसी विशेष मंत्र, गायत्री मंत्र, रुद्र अष्टाध्यायी का जप करता रहे।
अथवा वह महाप्रस्थान आमरण यात्रा आरंभ करके निरंतर उपवास करे अथवा ब्राह्मण अर्पण विधि में स्थित होकर और कोई ऐसा ही कार्य करे। पद्म प्राण के सर खंड में संन्यास आश्रम के धर्म का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, इस प्रकार आयु के तीसरे भाग को वानप्रस्थ आश्रम में व्यतीत करके क्रमशः चतुर्थ भाग को संन्यास के द्वारा बितावे। अश्विन द्विज को उचित है कि वे अग्नियों को अपने में स्थापित करके परिवाज्रक संन्यासी हो जाए और योग अभ्यास में तत्पर शांत तथा ब्रह्म विद्यापरायण रहे। जब मन में सब वस्तुओं की ओर से वैराग्य हो जाए उस समय संन्यास लेने की इच्छा करे। इसके विपरीत आचरण करने पर वह गिर जाता है। प्रजापत्य अथवा अग्नि इष्टि का अनुष्ठान करके मन की वासना धुल जाने पर चितिंद्रिय भाव से ब्रह्म आश्रम संन्यास में प्रवेश करे। संन्यासी तीन प्रकार के बताए गए हैं। कोई तो ज्ञान संन्यासी होते हैं, कुछ वेद संन्यासी होते हैं और कुछ दूसरे कर्म संन्यासी होते हैं। जो सब ओर से मुक्त निर्द्वंद और निर्भय होकर आत्मा में ही स्थित रहता है उसे ज्ञान संन्यासी कहा जाता है। जो कामना और परिख का त्याग करके मुक्ति की इच्छा से जितेंद्रिय होकर सदा वेद का ही अभ्यास करता रहता है वे वेद संन्यासी कहलाता है। जो द्विज अग्नि को अपने में लीन करके स्वयं ब्रह्म में समर्पित हो जाता है उसे महायज्ञ प्रायण कर्म संन्यासी जानना चाहिए। इन तीनों में ज्ञानी सबसे श्रेष्ठ माना गया है। उस विद्वान के लिए कोई कर्तव्य या आश्रम चिन्ह आवश्यक नहीं रहता। संन्यासी को ममता और भय से रहित शांत एवं निर्द्वंद होना चाहिए। वे पत्ता खाकर रहे, पुराना कौपीन पहने तथा नग्न रहे। उसे ज्ञान प्रायण होना चाहिए। वे ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए आहार को जीते और भोजन के लिए बस्ती से अन्न मांग लाया करे। वे अध्यात्म तत्व के चिंतन में अनुरक्त होकर सब ओर से निरपेक्ष रहे और भोग्य वस्तुओं का परित्याग कर दे। केवल आत्मा को ही सहायक बनाकर आत्म सुख के लिए इस संसार में विचरता रहे। जीवन या मृत्यु किसी का अभिनंदन नहीं करे। जैसा सेवक स्वामी के आदेश की प्रतीक्षा करता रहता है उसी प्रकार सन्यासी काल की ही प्रतीक्षा करे। उसे कभी अध्ययन प्रवचन अथवा श्रवण नहीं करना चाहिए। इस प्रकार ज्ञान प्रायण योगी ब्रह्म भाव का अधिकारी होता है। विद्वान सन्यासी एक वस्त्र धारण करे अथवा केवल कौपीन धारण किए रहे, सिर मुंडाए रहे या बाल बढ़ाए रखे, त्रिदंड धारण करे, किसी वस्तु का संग्रह नहीं करे, गेरवे रंग का वस्त्र पहने और सदा ध्यान योग में तत्पर रहे। गांव के समीप किसी वृक्ष के नीचे अथवा देवालय में रहे, शत्रु और मित्र में तथा मान और अपमान में समान भाव रखे, सदा भिक्षा से ही जीवन निर्माण करे, कभी एक स्थान के अन्न का भोजन नहीं करे। जो सन्यासी मोहवश या किसी कारण से एक जंगल जगह का ही अन्न खाने लगता है धर्मशास्त्र में उसके उद्धार का कोई उपाय नहीं देखा गया है। सन्यासी का चित्त राग द्वेष से रहित होना चाहिए। उसे मिट्टी के ढेले पत्थर और स्वर्ण को एक साथ समझना चाहिए तथा प्राणियों की हिंसा से दूर रहना चाहिए। वह मौन भाव का आश्रय लेकर सबसे निष्प्रिय रहे। सन्यासी भली भांति देखभाल कर आगे पैर रखे, वस्त्र से छान कर जल पिए, सत्य से पवित्र वाणी बोले तथा मन से भी पवित्र ज्ञान पढ़े उसी का आचरण करे। सन्यासी को उचित है कि वर्षा काल के सिवा अन्य किसी समय एक स्थान पर निवास नहीं करे। स्नान करके शौचाचार से संपन्न रहे, सदा हाथ में कमंडल लिए रहे, ब्रह्मचर्य पालन में संलग्न रहे, सदा वन में ही निवास करे, मोक्ष संबंधी शास्त्रों के विचार में तत्पर रहे, ब्रह्म सूत्र का ज्ञान रखे और जितेंद्रिय भाव से रहे। सन्यासी यदि दंभ एवं अहंकार से मुक्त, निंदा और चुगली से रहित तथा आत्मज्ञान के अनुकूल गुणों से युक्त हो तो वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। यदि विधि पूर्वक
स्नान और आचमन करके पवित्र होकर देवालय आदि में प्रणव नाम का सनातन देवता का निरंतर जप करता रहे। वह यज्ञोपवीतधारी एवं शांत चित्त होकर हाथ में कुश धारण करके धुला हुआ गेरुआ वस्त्र पहने सारे शरीर में भस्म रमाए वेदांत प्रतिपादित तद यज्ञ आदि देविक तथा आध्यात्मिक ब्रह्म का एकाग्र भाव से चिंतन करे। जो सदा वेद का ही अभ्यास करता है वह परम गति को प्राप्त होता है। अहिंसा सत्य चोरी का अभाव ब्रह्मचर्य उत्तम तप क्षमा दया और संतोष ये सन्यासी के विशेष व्रत हैं। वह प्रतिदिन रुद्रध्याय तथा दोनों संध्याओं के समय गायत्री का जप करे। एकांत में बैठकर निरंतर परमेश्वर का ध्यान करता रहे। सदा एक स्थान के अन्न का त्याग करे। साथ ही काम क्रोध तथा संग्रह को भी त्याग दे। वे एक या दो वस्त्र पहनकर शिखा और यज्ञोपवीत धारण किए हाथ में कुंडल लिए रहे। इस प्रकार त्रिदंड धारण करने वाला विद्वान सन्यासी परम पद को प्राप्त होता है। पद्म प्राण के सर खंड में सन्यासी के नियम। व्यास जी कहते हैं, द्विजवरो, इस प्रकार आश्रम में निष्ठा रखने वाले तथा नियमित जीवन बिताने वाले सन्यासियों के लिए फल मूल अथवा भिक्षा से जीवन निर्वाह की बात कही गई। उसे एक ही समय भिक्षा मांगनी चाहिए। अधिक भिक्षा के संग्रह में आसक्त नहीं होना चाहिए, क्योंकि भिक्षा में आसक्त होने वाला सन्यासी विषयों में भी आसक्त हो जाता है। सात घरों तक भिक्षा के लिए जाए, यदि उनमें ना मिले तो फिर नहीं मांगे। भिक्षु को चाहिए कि वे एक बार भिक्षा का नाम लेकर चुप हो जाए और नीचे मुंह किए एक द्वार पर उतनी ही देर तक खड़ा रहे जितनी देर में एक गाय दुही जाती है। भिक्षा मिल जाने पर हाथ पैर धोकर विधि पूर्वक आचमन करे और पितृ होकर मौन भाव से भोजन करे। पहले वे अन्न सूर्य को दिखा ले, फिर पूर्व की ओर मुख होकर पांच बार प्राण अग्निहोत्र करके अर्थात प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा सुमनाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा इन मंत्रों से पांच ग्रास अन्न मुंह में डालकर एकाग्रचित होकर आठ ग्रास अन्न भोजन करें। भोजन के पश्चात आचमन करके भगवान ब्रह्मा जी एवं परमेश्वर का ध्यान करें। तोंबी लकड़ी मिट्टी तथा बांस इन्हीं चारों के बने हुए पात्र सन्यासी के उपयोग में आते हैं, ऐसा प्रजापति मनु का कथन है। रात के पहले पहर में, मध्य रात्रि में तथा रात के पिछले पहर में विश्व की उत्पत्ति के कारण एवं विश्व नाम से प्रसिद्ध ईश्वर को अपने हृदय कमल में स्थापित करके ध्यान संबंधी विशेष श्लोकों एवं मंत्रों के द्वारा उनका इस प्रकार से चिंतन करें। परमेश्वर संपूर्ण भूतों के आत्मा, अज्ञान में अंधकार से परे विराजमान, सबके आधार, अव्यक्त स्वरूप, आनंद में, ज्योतिर्मय, अविनाशी प्रकृति और पुरुष से अतीत, आकाश की भांति निर्लेप, परम कल्याण में समस्त भावों की चरम सीमा, सब पर शासन करने वाले तथा ब्रह्म रूप हैं। तदंतर प्रणव जप के पश्चात आत्मा को आकाश स्वरूप परमात्मा में लीन करके उनका इस प्रकार ध्यान करें। परमात्मा देव सबके ईश्वर, हृदय आकाश के बीच विराजमान, समस्त भावों की उत्पत्ति के कारण, आनंद के एकमात्र आधार तथा प्राण पुरुष श्री विष्णु हैं। इस प्रकार ध्यान करने वाला पुरुष भाव बंधन से मुक्त हो जाता है। जो समस्त प्राणियों का जीवन है, जहाँ जगत का लय होता है तथा मुख्य पुरुष जिसे ब्रह्म का सूक्ष्म आनंद समझते हैं, उस परम व्योम के भीतर केवल अद्वितीय ज्ञान स्वरूप ब्रह्म स्थित है, जो अनंत सत्य एवं ईश्वर रूप है। इस प्रकार ध्यान करके मौन हो जाएं। ये सन्यासियों के लिए गोपनीय से भी अत्यंत गोपनीय ज्ञान का वर्णन किया गया। जो सदा इस ज्ञान में स्थित रहता है वे इसके द्वारा ईश्वरी योग का अनुभव करता है। इसलिए सन्यासी को उचित है कि वे सदा ज्ञान के अभ्यास में तत्पर और आत्म विद्या प्रायण होकर ज्ञान स्वरूप ब्रह्म का चिंतन करें, जिससे भावबंधन से छुटकारा मिले।
पहले आत्मा को सब दृश्य पदार्थों से पृथक केवल अद्वितीय आनंदमय अक्षर अविनाशी एवं ज्ञान स्वरूप जान लें। इसके बाद उसका ध्यान करें, जिनसे संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति होती है, जिन्हें जानकर मनुष्य पुनः इस संसार में जन्म नहीं लेता, वे परमात्मा इसलिए ईश्वर कहलाते हैं कि वे सबसे परे स्थित हैं, सबके ऊपर अध्यक्ष रूप से विराजमान हैं। उन्हीं के भीतर उस शाश्वत कल्याण में अविनाशी ब्रह्म का ज्ञान होता है, जो इस दृश्य जगत के रूप में प्रत्यक्ष और स्वरूप से प्रोक्ष हैं। वे ही महाश्चर्य देव हैं। सन्यासियों के जो व्रत बताए गए हैं, वैसे ही उनके भी व्रत हैं। उन व्रतों में से एक एक का उल्लंघन करने पर भी प्रायश्चित करना पड़ता है। सन्यासी यदि कामना पूर्वक स्त्री के पास चला जाए तो एकाग्रचित होकर प्रायश्चित करे, उसे पवित्र होकर प्राणायाम पूर्वक सांत्वन व्रत करना चाहिए। सांत्वन के बाद चित्त को एकाग्र करके शोच संतोष आदि नियमों का पालन करते हुए वह कृच्छ व्रत का अनुष्ठान करे। तंत्र आश्रम में आकर पुनः आलस्य रहित होकर भिक्षु रूप से विचरता रहे। असत्य का प्रयोग कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह झूठ का प्रसंग बड़ा भयंकर होता है। धर्म की अभिलाषा रखने वाला सन्यासी यदि झूठ बोल दे तो उसे उसके प्रायश्चित के लिए एक रात उपवास और 100 प्राणायाम करने चाहिए। बहुत बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी सन्यासी को किसी दूसरे के यहाँ से चोरी नहीं करनी चाहिए। स्मृतियों का कथन है कि चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है। हिंसा, तृष्णा और याचना ये आत्मज्ञान का नाश करने वाली हैं। जिसे धन कहते हैं वह मनुष्य को बाह्य प्राण नहीं है। जो जिसके धन का अपहरण करता है वह मानो उसके प्राण ही हर लेता है। ऐसा करके दुष्ट आत्मा पुरुष आचार भ्रष्ट होकर अपने व्रत से गिर जाता है। यदि सन्यासी अकस्मात किसी जीव की हिंसा कर बैठे तो कृच्छ अतिकृच्छ तथा चंद्रायन व्रत का अनुष्ठान करे। यदि भिक्षु का उसकी अपनी इंद्रियों की दुर्बलता के कारण किसी स्त्री को देखकर मन विचलित हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करने चाहिए। विद्वानों, दिन में मन विचलित होने पर वह 3 रात का व्रत और 100 प्राणायाम करे। यदि वह एक स्थान का अन्न, मधु, नवीन श्राद्ध का अन्न तथा खाली नमक खा ले तो उसकी शुद्धि के लिए प्रजापत्य व्रत बताया गया है। सदा ध्यान में स्थित रहने वाले पुरुष के सारे पातक नष्ट हो जाते हैं, इसलिए महेश्वर का चिंतन करते हुए सदा उन्हीं के ध्यान में संलग्न रहना चाहिए, जो परम ज्योति स्वरूप ब्रह्म सब का आश्रय अक्षर अव्यय अंतरात्मा तथा परब्रह्म है। उन्हीं को भगवान महेश्वर समझना चाहिए। ये महादेव जी केवल परम शिव रूप हैं, ये ही अक्षर अद्वैत एवं सनातन परम पद हैं। वे देव स्वप्रकाश स्वरूप हैं, ज्ञान उनकी संज्ञा है, वे ही आत्म योग रूप तत्व हैं। उनमें सबकी महिमा प्रतिष्ठा होती है, इसलिए उन्हें महादेव कहा गया है। जो महादेव जी के सिवा दूसरे किसी देवता को नहीं देखता, अपने आत्म स्वरूप उन महादेव जी का ही अनुसरण करता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अपने को उन परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उन महादेव जी का दर्शन नहीं पाते, उनका परिश्रम व्यर्थ हो जाता है। एकमात्र परब्रह्म ही जानने योग्य अविनाशी तत्व हैं, वे ही देवादि देव महादेव जी हैं। इस बात को जान लेने पर मनुष्य कभी बंधन में नहीं पड़ता, इसलिए सन्यासी अपने मन को वश में करके नियम पूर्वक साधन में लगा रहे तथा शांत भाव से महादेव जी के शरणागत होकर ज्ञान योग में तत्पर रहे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने आप लोगों से सन्यासियों के कल्याण में आश्रम धर्म का वर्णन किया। इसे मुनिवर भगवान ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में उपदेश किया था। सन्यास धर्म से संबंध रखने वाले ये परम उत्तम कल्याण में ज्ञान साक्षात शंभू ब्रह्मा जी का बताया हुआ है। अतः पुत्र, शिष्य तथा योगियों के सिवा दूसरे किसी को इसका उपदेश नहीं करना चाहिए। द्विजवरो, इस प्रकार मैंने सन्यासी के नियमों का विधान बताया है। ये देवेश्वर ब्रह्मा जी के संतोष का एकमात्र साधन है। जो मन लगाकर प्रतिदिन इन नियमों का पालन करते हैं, उनका जन्म अथवा मरण नहीं होता।